हेलो स्टूडेंट, सफात खान केमिस्ट्री मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं, क्लास 12 मैट्रिक्स चैप्टर 3 है मैट्रिक्स, और इसमें जो क्वेश्चन हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले हम पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन 6 के पहले 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बता रहे हैं। जो लोग इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं वह उनको देख लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम सरल करते हैं। सरल कीजिए, कॉस थीटा ये मैट्रिक्स दिया है, साइन थीटा ये मैट्रिक्स दिया है, इसी को हमें सरल करना है। तो कॉस थीटा से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा होगा, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का साइन थीटा से गुणा होगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा होगा। इसी तरह से कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का माइनस से गुणा होगा कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का कॉस थीटा से गुणा होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, प्लस का सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर सिंबल प्लस का है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, जोड़ना है। कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये प्लस है या माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, और ये माइनस में है तो यह माइनस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार इसमें इसको जोड़ना है, माइनस प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और इसके बाद ये प्लस है तो प्लस जोड़ लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों जुड़ गया है, इसका और इसको और इसको जोड़ा गया है, इसको और इसको यहाँ पर जोड़ कर लिखा गया है, इसको और इसको यहाँ पर जोड़ कर लिखा गया है, इसको और इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1, और ये प्लस, एक प्लस में है एक माइनस में, कट गया 0 आ जाएगा। ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा 0 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स तथा वाई का मान आपको निकालना है इसमें। तो ये पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। पहला खंड इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर हम पहले खंड को हल कर दे रहे हैं। पहला खंड है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। मान लीजिए बराबर लगा है तो इसको कहा जाता है इक्वेशन। अगर कहीं पर बराबर लगा तो उसको हम समीकरण मान सकते हैं। और दूसरा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, ये आपका है समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। ये समीकरण बहुत आसान है, देखिए वाई वाई कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर कोई निशान नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, तो जोड़ लिया तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 1x 1x मिलकर हो गया ये 2x।
दोनों को ऐड करना है 7025 और प्लस लगा दो 3003, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2x बराबर 7 3 मिलकर हो गया 10, 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा और 5 3 हो गया 8, अर्थात यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो x बराबर आएगा 10028 अपान यहाँ पर आ जाएगा ये 2, अर्थात यहाँ पर एक है 1/2, 2 से इसको हमें भाग देना है तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 और 2 4 8 हो जाएगा, 2 4 8 तो 2 से इसको भाग दे दिया गया है, 2 5 10 हो गया, 2 0 0 हो गया, 2 से 2 कट गया 1 बचा और 2 4 8, इस तरह यह x का मान निकल आया है। अब यही x का मान चाहे आप समीकरण 1 में और चाहे तो समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, फॉर द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी है, तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर हम रख देते हैं 5 0 1 4, ये रहा x का मान, प्लस लगा दिया गया है, y है इज इक्वल टू अगला मैट्रिक्स है 7 0 2 5, ये सॉल्व करना, अर्थात ये y इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7 0 2 5 और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 0 1 4, इसको हम यहाँ से घटा दे रहे हैं, 7 में से 5 को निकालेंगे 2 आएगा, 0 0 निकलेगा 0 आएगा, 2 से 1 निकलेगा 1 आएगा, 5 से 4 जाएगा तो 1 आएगा और ये रहा y का मान। इस तरह से जो हमारा आंसर है वो x का जो मान निकला है 5 0 1 4 आया है, ये x का मान हो गया और जो y का मान निकला है 2 0 1 1, तो ये x और y के दो मान निकले हैं, x y का एक मान निकला है, एक y का मान निकला है, यही हमारा आंसर हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, इसको हम उतार लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगर हमें x का मान काटना है तो यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुणा करिए और यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुणा करिए, अगर y वाला मान काटना है तो यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो y वाला मान कट जाएगा, 2 से गुणा करिए दोनों तरफ तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा और 2 का 3 से गुणा होगा तो 6y आ जाएगा और इसी तरह 2 का 2 से गुणा होगा 4 आएगा और 2 का 3 से गुणा होगा 6 आएगा और 2 का 4 से होगा तो 8 आएगा और 2 0 0 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से गुणा किया गया है, 2 2 4 2 तिहाई 6 2 2 4 और 2 4 8, इसी तरह समीकरण 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 3 9x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 3 2 6 और 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 -3 और 3 5 15 हो जाएगा, ये समीकरण आपका है। तो अब देखिए 6y कट जाएगा लेकिन एक प्लस और एक माइनस का होना जरूरी है, चिन्ह समान है इसलिए हम क्या करते हैं घटा देते हैं, अगर यहाँ पर चिन्ह समान ना होता तब तो ये कट जाता जोड़ लेते, लेकिन दोनों प्लस में है हमें घटाना पड़ेगा, चिन्ह नीचे बदल जाता है घटाने पर, ये देखिए कट गया और ऊपर है 4x माइनस नीचे है 9x इज इक्वल टू ऊपर है 4 6 8 0
में से हम घटाएंगे 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15 को, ये अब 4 से तो 9 घटेगा नहीं, 9 से 4 घटाते हैं तो ये आता है यहाँ पर माइनस 5x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 4 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 6 में से 4 को घटाते हैं माइनस 2, इसी तरह 6 में से हम घटाएंगे माइनस 6 तो माइनस माइनस का प्लस 6 6 हो जाएगा 12, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 8 में से जब हम माइनस 3 को घटाएंगे, 8 में से माइनस 3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और इस तरह आ जाता है 8 3 11, और 0 से हम 15 को घटाएंगे, 0 से 15 को घटाएंगे तो माइनस 15 ही रहेगा, और इस तरह ये इतना आया है। अब क्या करिए, ये यहाँ पर देखिए माइनस है तो क्या करिए कि यहाँ पर x बराबर अर्थात x बराबर माइनस 2 और यहाँ पर 12 है 11 है उसके बाद माइनस 15 है, ये मैट्रिक्स है और अपान नीचे आ जाएगा माइनस 5 ये एक यहाँ पर रहता है। कहने का मतलब है माइनस 1/5 से सबको गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा करते हैं तो जैसे माइनस 2 है इसको हम गुणा करेंगे माइनस 1/5 अर्थात माइनस 5 से इसको पूरे को क्या करना है भाग करना है, तो ये माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/5। इसी तरह से यहाँ पर 12 है और माइनस 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 12 एकम 12/5 हो जाएगा। और इसी तरह से हम देखते हैं 11 में तो यह माइनस क्या हो जाएगा, 11 है माइनस 1/5 हो जाएगा तो यह माइनस 11/5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस 15 × −1/5 माइनस माइनस का 5 × 3 = 15 ये आ जाएगा 3। ये है आपका x का मान यहाँ पर निकला हुआ है, ये x का मान निकल आया है। अब यही x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे तो समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम बिगाड़ लेते हैं, यहाँ पर x का मान आ गया है और x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, एक में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए, ये समीकरण 1 है, 2 x का मान आया है जितना आया है लिख दीजिए 2/5 आया है माइनस 12/5 आया है, उसके बाद आया है माइनस 11/5 आया है, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद प्लस 3y है, प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, ये आया। अब करेंगे क्या, यहाँ से पंचांतर कर लेते हैं और पंचांतर करने के बाद अब आएगा क्या उसको यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर 2 आया है तो 2 से इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 2 × 2 = 4 हो जाता है 4/5 माइनस 12 × 2 = 24/5 और ये 11 × 2 = 22/5 और ये 2/3 6 आ गया, 2/3 6 आ गया है प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, इसको हम उधर भेज देते हैं या 3y बराबर 2 3 4 0 और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मैट्रिक्स 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और ये 6 हो गया। तो अब यहाँ पर 3y बराबर घटा देते हैं, 2 से घटाएंगे तो 2 से 4/5 को घटाएंगे तो 5 × 5 5 × 2 = 10 4 × 4 = 10 में से 4 घटा देते हैं तो 6/5 आता है। ठीक इसी प्रकार 3 में से घटाएंगे माइनस 24/5
तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 24 बटा 5, लासा ले लो, 5 एकम 5, 5 तेरह 15, 24 एकम 24, तो 5 4 हो गया 9, 5 4 9, 2 एक 3 हो गया 39 बटा 5। ठीक इसी प्रकार 4 में से इसको घटाते हैं, 4 में से घटाते हैं माइनस 22 बटा 5, माइनस माइनस का प्लस 22 बटा 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20 और ये है 22, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 2 4 आएगा 42 बटा 5। इसी तरह 0 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा, और यहाँ पर देखते हैं तो या इसको लिख सकते हैं y बराबर 6/5, 39/5 और 42/5 माइनस 6/, यह हो जाएगा 3। यहाँ पर एक रहता, 1/3 से क्या करते हैं इसको गुणा कर देते हैं, 1/3 से इसको गुणा कर देते हैं, तो देखिए क्या आता है, ये y इज इक्वल टू, गुणा करिए भाई, 6/5 का गुणा करना है आपको, 1/3 से 3 एकम 3 दूनी 6 और ये आ गया 2/5, 49/5 का गुणा 1/3 से करना, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और ये 13/5। इसी तरह 42/5 को 1/3 से गुणा करना है, 3 एकम 3 चौक 12 और ये 14/5 माइनस 6 इंटू गुणा करना है 1/3, 3 एकम 3 दूनी 6 और ये आएगा माइनस 2। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आंसर लिख देते हैं, x का मान आया है 2/5, 12/5 माइनस 11/5 3, ये रहा x का मान, और y का मान जो निकला है 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 2, यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।